फ्रेंड वेलकम पीएलसी। बीपीएससी जो कंप्यूटर टीचर का एग्जाम लेने वाला है उसका क्वेश्चन कैसा रहेगा ये उसको ध्यान में रख के बनाया गया प्रैक्टिस सेट है। ये प्रैक्टिस सेट में 80 क्वेश्चन है, ठीक है, 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन ही आएंगे कंप्यूटर साइंस से, ये आप सबको पता है। ये जो पेपर है प्रैक्टिस सेट है इसका स्टैंडर्ड एकदम एग्जाम के स्टैंडर्ड के लेवल का है। इसका जो स्टैंडर्ड है इससे ज़्यादा हाई नहीं हो सकता है क्योंकि ये काफ़ी मतलब बोला जा सकता है कि बीपीएससी का जो लेवल होगा उस लेवल का है ये। तो ये मैं आप लोगों के लिए ये कर रहा हूँ, अपने चैनल पे डाल रहा हूँ। इसे क्या करना है कि आप लोग इसको ट्राई कीजिए। देखिए ये पूरे सिलेबस को कवर कर रहा है, मतलब जैसे कि एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन हो सकता है एकदम उस स्टैंडर्ड का ये प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। हाँ इसमें पायथन से क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे क्योंकि ये जो BSEB जो बिहार सरकार का जो सिलेबस है प्लस टू का उस सिलेबस को आधार बना के इसको बनाया गया है, ठीक है। इसमें पायथन के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। एक डेढ़ अगर जावा का क्वेश्चन मिलता है तो उसे इग्नोर कीजिएगा, हालांकि जावा क्वेश्चन मात्र एक ही है इसमें, बाकी सब आपका पूरा BSEB का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड एकदम BPSC लेवल का है। तो आप लोग क्या कीजिए इसे ट्राई कीजिए कि इसमें अभी आप कितना बना पा रहे हैं। इससे होगा क्या ना कि अभी आपका लेवल चेक हो जाएगा कि अभी आपकी तैयारी कितनी हुई है। अभी 2 महीने हैं हाथ में, ठीक है। अब धीरे धीरे करके प्रैक्टिस सेट बनाना शुरू कीजिए। ये पहला प्रैक्टिस सेट मैं डाल रहा हूँ, इसे आप ट्राई कीजिए, ठीक है। पॉज करके हर क्वेश्चन को डील कीजिए। पूरे 80 क्वेश्चन है और हर सेक्टर से इसमें क्वेश्चन दिया गया है। हाँ क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा है। अब लो लेवल का वो डाटा एंट्री ऑपरेटर वाला उम्मीद मत कीजिएगा बीपीएससी से, ये हाई लेवल का एग्जाम ये लेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप बनाइए, ठीक है। इसमें इसके साथ मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसके तरफ से मेरे तरफ से थोड़ा सा सॉरी इसके लिए। इसका मैं आंसर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। हाँ उसके लिए छोटा सा कंडीशन है कि मैं तभी आंसर दूंगा, थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिए क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इस तरह के कंटेंट को खोजने में। कम से कम 1000 व्यू इसे पहुंचाइए, अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, थोड़े से व्यूअर बेस बने। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे वैसे कॉन्सेप्चुअल वीडियो भी ला रहा हूँ, जिससे क्या हो जैसे C++ हो गया, फिर पैथन का भी वीडियो मैं लाऊँगा और DBMS इन सब का वीडियो लाऊँगा, तो थोड़ा सा व्यूअर बेस बने, ठीक है। और जैसे लगभग 1000 के करीब में व्यूअर हो जाएगा, मतलब इस वीडियो को व्यू कर लेंगे, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका आंसर मैं डाल दूंगा और फिर उसी दिन मैं सेकेंड प्रैक्टिस सेट भी डाल दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, आप लोग पढ़ते रहिए और एकदम जोश जुनून से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।